अपने दुखों को धोखा देने से बेहतर है कि उस पर विजय पा ली जाए। अपने युवा उत्साह पर बने रहे, जब आप बड़े होंगे तो आप उसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई प्रतिभा नहीं है। हर रात सोने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने किस कमजोरी को दूर किया, मैंने कौन सा अच्छा काम और पुण्य प्राप्त किया। दुनिया में सबसे बहादुर नजारा किसी महापुरुष को विपरीत परिस्थितियों में जूझते देखना है। जो खाली से लिप्त होता है वह स्वयं वास्तविक भय अर्जित करता है। मानव हृदय की कोई भी बुरी प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह अनुशासन से वश में न हो। वह सबसे शक्तिशाली है जिसका खुद पर अधिकार है। समृद्धि की अच्छी चीजों की कामना की जाती है, लेकिन अच्छी चीजें जो प्रतिकूल परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सच्ची दोस्ती के सबसे खूबसूरत गुणों में से एक है समझना और समझा जाना। एक बार जीने की शुरुआत करें और प्रत्येक अलग दिन को एक अलग दिन के रूप में गिनें। यहां मात्रा के बजाय गुणवत्ता है जो मायने रखती है। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपको बेहतर बनाते हैं या संभावना रखते हैं। हम स्कूल में नहीं बल्कि जीवन में सीखते हैं। धन बुद्धिमानों का दास है और मूर्ख का स्वामी है। आप जिस चीज से डरते हैं उसमें आप नश्वर की तरह काम करते हैं, और आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उसमें अमर की तरह काम करते हैं। भय का कारण अज्ञान है। हम वास्तविकता की तुलना में अपनी कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं। यदि आप एक पुरुष हैं, तो उन लोगों की प्रशंसा करें जो महान कार्य करने का प्रयास करते हैं, भले ही वे उसमें असफल हो। मनुष्य घटनाओं से नहीं बल्कि उनके प्रति अपने दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। हमें भेड़ों की तरह हमारे आसपास के लोगों झुंड में नहीं चलना चाहिए और ना ही उसका पालन करना चाहिए। अपना रास्ता हमें खुद बनाना चाहिए, ना कि भेड़ चाल में शामिल होना चाहिए। स्वास्थ्य वह आत्मा है जो जीवन के सभी भोगों को जीवंत करती है, जो इसके बिना फीके और बेस्वाद हैं। कठिनाइयां मन को मजबूत करती है, जैसे श्रम शरीर को मजबूत करती है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। हम विपत्ति में समझदार बनते हैं। समृद्धि अधिकार के प्रति हमारी समझ को नष्ट कर देती है। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे दिन कम है, और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उनका कोई अंत नहीं होगा। हम जो महसूस करते हैं उसे कहें, और जो हम कहते हैं उसे महसूस करें। वाणी को जीवन के साथ सामंजस्य बिठाने दें। किस्मत का मतलब है जब तैयारी की मुलाकात अवसर से होती है। सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेने में है, भविष्य पर चिंता के बिना, किसी भी आशा या भय के साथ खुद को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहने के लिए। जो लोग ऐसे हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप जीना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जीना जानते हैं?
तुम मरने से डरते हो और मुझे बताओ, तुम जिस तरह का जीवन जी रहे हो, क्या वह वास्तव में मृत होने से अलग है? एक बूढ़े आदमी से ज्यादा घृणित कुछ भी नहीं है, जिसके पास दुनिया में लंबे समय तक रहने का प्रस्ताव देने के लिए उसकी उम्र के अलावा और कोई सबूत नहीं है। कोई भी आदमी संयोग से कभी बुद्धिमान नहीं था। सच्ची खुशी है वर्तमान का आनंद लेना, भविष्य की चिंता किए बिना। जिस महिला ने जितने ज्यादा पुरुषों के साथ संभोग किया होगा, वह अपने विवाह के बाद उतनी ही परेशान रहेगी। यह मन की शक्ति है जो अजेय है।